नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु दर्शन करें में। 25 सितंबर बड़ा बुधवार करें यह उपाय। 18 मार्च 2020 बड़ा बुधवार करें यह उपाय। बुधवार गणेश जी का वार होता है और इसी दिन विनायक चतुर्थी है। इसके साथ ही कल नवरात्रि का चौथा दिन है। ये चौत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। ये कुष्मांडा देवी के नाम से अर्पित है। ये दुर्गा माता का ही एक रूप है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। त्रिवेद ताप युक्त संसार इसके उदर में स्थित है, इसीलिए ये भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। जब सृष्टि का अस्तित्व हुआ था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। इनकी कृपा से व्यापार व्यवसाय में भी वृद्धि आती है। इनका एक मंत्र भी आज मैं आपको बताऊंगी। इसके साथ ही ये उपाय यानी ये 10 रुपए के सिक्के का उपाय करते हैं तो इससे भी आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। तो ये उपाय आप जरूर करें। आने वाले इन 5-6 दिनों में आपको बड़ा लाभ हो सकता है। अचानक धन प्राप्ति के संकेत भी आपके जीवन में इस उपाय के बाद बन जाएंगे। आपको एक 10 रुपए का सिक्का लेना होगा। सिक्का यदि आपके पास ना हो, यदि आप दूसरे देश में रहते हैं और आप भारतीय हैं, तो आप वहाँ पर जो भी सिक्का है वो सिक्का आप ले सकते हैं। 10 रुपए का सिक्का लेने के बाद आपको उसको लेकर अपनी पूजा घर के सामने बैठ जाना है। यदि आपके सामने माँ दुर्गा या माँ लक्ष्मी की तस्वीर हो तो वो और भी शुभ माना जाता है। उसी तस्वीर के आगे आपको इस 10 रुपए के सिक्के को रख देना है और अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके आपको ओम श्रीं श्रीये नमः, ओम श्रीं श्रीये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करना होगा। जाप होने के बाद आपको वही पूजा घर के सामने एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना होगा। दीपक जलाने के बाद आपको कुष्मांडा देवी के मंत्र, जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशं रुधिरा प्लूतमेव च कधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। इसी मंत्र का आपको 5 बार सच्ची श्रद्धा के साथ जाप करना होगा। जाप होने के बाद आपको उस 10 रुपए के सिक्के पर सिंदूर से आपको एक छोटा सा स्वस्तिक बनाना है। उसके बाद आपको सिक्के को पूरी रात वही पूजा घर में माँ लक्ष्मी या दुर्गा के पास रख देना है और आपको इस दिन सो जाना होगा। अगले दिन जब आप उठोगे तो आप इस सिक्के को आप अपनी तिजोरी में, जहाँ पर आप अपने मूल्यवान वस्तुएं या पैसे रखते हैं, वहाँ पर आपको इसको रख देना है। जैसे ही ये नवरात्र खत्म हो जाएगी तो इसके दूसरे दिन यानी अगले दिन आपको इस सिक्के को किसी भी गरीब को दान करना होगा। ये सिक्का जिस भी व्यक्ति को आप दोगे तो उसके जीवन भी इस सिक्के के बाद बदलने लगेंगे। उसके जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। ये सिक्का जितने हाथों में ये भारत में घूमेगा उतना ही फायदा आपको मिलेगा। और इस उपाय को करें और आप देखें कि कैसे आपके साथ सारी चीज सुमंगल हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।